ओडिशा समाचार को स्वागत। महाराष्ट्र रु कलिकता दे आसुथिबा लेबर आज कांजीपणी थाना रे अटकाईथिले। थाना अधिकारी आईआईसी प्रशांत स्वाई तांकु क्वारंटाइन रे रखिबा पई वंशपाल तहसीलदार सपन कुमार साहू ओ बीडीओ उग्रसेन ओराम को तुरंत जणाईथिबा समय रे तहसीलदार कांजीपणी रे पहुंची आईआईसी पचारथिले। 42 जणक पई खाइबे व्यवस्था तहसीलदार बीडीओ को फोन करथिले, किंतु बीडीओ 2 घंटा डेरी रे पहुंची बोली कहि आउ से आसी नथिले। लेबर कहिथिबा अनुसार 6 दिन हला आमे किछि पिला बरगड़ आ संबलपुर रे काम करूथिलु। आमे एका सांगरे पादरे चली चली आसुथिबा बेले संबलपुर थाना अनुगोल थाना वाला पठाई देथिले, तेनु आमे पळाय आसथिलु। करू करू, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा दिलीप नाम है सर। कहाँ से आया है? बटेमुरा से। कहाँ? बटेमुरा से आए हैं। कहाँ जाना है आपको? बिहार जाना है जी। बिहार कौन से जगह? सहरसा जिला जाना है। जाना है, वहाँ क्यों अटका हुआ है? यहाँ पे अटका हुआ है, यहाँ पे आ रहे हैं, गाड़ी से पकड़ लिया सर। हम सब सोचे से इतना इतना आदमी जा रहा है, हम सब निकल जाएंगे, ये सबको हमारा सबको यहाँ पे पकड़ के रखा है। रात में थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दिया, अभी सब हम सब भूखे हैं। कल भी कल सारे दिन भूखे रहे, आज भी थोड़ा बताओ आज भी दिन भूखे रह जाएंगे। वो वीडियो सब आए, कोई नहीं आए सर, कल से बोल रहे हैं वो आ रहा, सब कुछ हमारा टेस्ट हो गया, तो हम सबको जाने नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाह रहा है। कितना आदमी है आपका? 42 आदमी है। 42 आदमी है बंगाल से नहीं, बिहार से 6 आदमी है, बाकी बात बिहार से बंगाल से है। बताओ जब बिहारी को यहाँ से जब भेजा रहा है तो बिहारी को जाने क्यों नहीं दे रहा है? अभी क्यों अटका के रखा है बताओ? जब बिहार में जब बोल रहा है जितना बिहार ये सबके निकालो, तो यहाँ पे रोक क्यों रखा है? जब हम सब जा रहे हैं टलारी से जा रहे हैं, वो क्यों रोका है यहाँ पे बताओ? अब कहाँ से जा रहे थे? बटेमुरा से जा रहे थे। नहीं, वो जो गाड़ी में ना, पैदल में जा रहे? पैदल पैदल से जा रहे थे जी। पैदल में जा रहे? हाँ जी, पैदल से जा रहे थे। कितना दिन हो गया वहाँ से आ रहे आने के लिए? हो गया 6 दिन हो गया जी। पैदल से? पैदल से आ रहे हैं 6 दिन हो गया। वहाँ से अटक अटक के आ रहे हैं, कहीं पे आते हैं रात में रुक जाते हैं, फिर दिन के चलते हैं। वहाँ पे वो ट्रेलर वाला मिल गया आगे में, थोड़ा दूर में मिला ट्रेलर वाला, उसको बोले भाई हम सबको मदद करो कोई, वो मदद किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे पकड़ लिया। आप वहाँ क्या काम करने के लिए गया था? चावल काम कर रहे थे, पल्लेदारी सर। पल्लेदारी? हाँ जी, मिल में। मिल में काम कर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम शेख यूसुफ मोहम्मद है। कहाँ से आया है, कैसे आया है? मैं तो आया हूँ संबलपुर बड़गढ़ से आया हूँ, लेकिन अभी बहुत से हम लोग का वेस्ट बंगाल का जो मजदूर है, कोई नासिक से आया है, कोई हैदराबाद से आया है, सब कोई पैदल चल के आ रहा था 10-12 दिन। कोई रास्ता में अच्छा ड्राइवर मिला, लिफ्ट दे दिया, और रास्ता में दूसरा दूसरा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का जो पुलिस प्रशासन है, सब हमने मदद भी किया, वो लोग को खाना दिया रास्ता में, गाड़ी में भी उठा दिया। लेकिन इधर उड़ीसा में आके हम सब फंसा हुआ हूँ। इधर वो गंजीपाड़ा जो पुलिस स्टेशन है गंजीपाली, इधर रुका हुआ हूँ। हम लोग को इधर एक स्कूल में घुसा दिया, जैसे हम लोग मतलब कोई क्वारंटाइन नहीं, सब एक हॉल रूम में सब 30-40 आदमी को घुसा दिया। कोई लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टॉयलेट का ही जुगाड़ नहीं है, एक टॉयलेट है, 60 आदमी हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर ऐसे होगा तो हम लोग तो जिसका कोरोना नहीं है सब में तो फैल जाएगा, और खाना भी नहीं मिल रहा है, एक टाइम मिल रहा है, हम लोग तो कोरोना से पहले ऐसे भूख से ही मर जाएंगे। हम लोग का प्रशासन से खाली प्रशासन कोई खाने के लिए नहीं कुछ नहीं, थोड़ा दिया एक रात में। कल रात में कौन आया था? तहसीलदार आया था ना, वीडियो आए थे, वो बड़ा बाबू आया था, वीडियो कोई नहीं आया। खाना का जो बड़ा बाबू आया था वो बोला हम लोग को आज आप लोग को गांव जाने का कुछ हम लोग इंतजाम कर देंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं क्या? अभी तक ऐसे चला तो हम लोग इधर ही मर जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा बोलिए? हम लोग तो मजदूर है, हम लोग तो पेट के लिए बाहर आए हैं, हम लोग ऐसा कैसे चलेगा हम लोग का? हम लोग को गांव जाने का जल्दी से जल्दी इंतजाम कीजिए, हम लोग पैदल ही निकल जाएंगे। हम लोग को अगर गाड़ी नहीं दे रहे हैं आप लोग, हम लोग का कोई नहीं, हम लोग पैदल ही निकल जाएंगे, नहीं चाहिए गाड़ी।